तुम तो हो ही डरे, तुम्हारे घर में तो कुछ है ही नहीं, इसे तो तुम उससे चिढ़ते हो। मैं क्यों हूँगा दरिद्र? तुम हो दरिद्र, तुम हो दरिद्र। जब भी आते हो अपनी फालतू बातें सुनाना शुरू कर देते हो, कभी घर की, कभी बैल की, कभी कुत्ते की, कभी इधर की, कभी उधर की। तुम आ गए क्योंकि तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम हो दरिद्र। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आओ बैठो। अच्छा बच्चों, तुम जानते हो हमारा देश इतने दिनों तक गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ा रहा? नहीं बाबा। नहीं जानते हो? यही कारण है, आपसी मतभेद और आपसी लड़ाई के कारण उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर बरसों तक राज किया, हमारे यहां रहकर हमारे ऊपर जुल्म किया, जानते हो बाबा? हाँ? क्या लड़ना इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है कि हमारे देश को गुलाम तक बना दे? हाँ बेटे, लड़ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपसी मतभेद को आपस में बैठकर समझा जा सकता है, बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे? लड़ने झगड़ने से चोट लग सकती है, और फिर तुम दोनों तो इतने अच्छे मित्र हो, मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे। देखिए ना बाबा, ये बार बार मेरे पास आता है और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे आके परेशान करने लगता है। मैं बस अपनी पढ़ाई में सोच रहा था तो ये आया और इसलिए मुझे अपने बैल के बारे में बताना शुरू कर दिया। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी बात कह दी जब तुम लोग आपस में लड़ने लगे? बाबा इसने मुझे दरिद्र कहा, मुझे ऐसी बातें सुन के बहुत गुस्सा आती है। अरे बच्चों, अरे ये भी कोई लड़ने की बात है, और वो भी तुम लोग इतने अच्छे मित्र हो। अरे तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए उसको गुस्सा आ गया और वो रुष्ट हो गया, न कि इसके गरीब होने से। अगर ऐसा होता तो वो तुमसे मित्रता ही क्यों करता, बताओ। और सुनो उदय, तुम भी एक बात सुन लो, ये कभी किसी को कोई ऐसी बात ना करना जिससे उसको कष्ट हो। नहीं बाबा, ये बार बार मुझे अपमानित करता है, मुझे ऐसी बातें सुन के बहुत कष्ट होता है। अच्छा अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि कृष्ण और सुदामा के बारे में तुम लोग को कुछ मालूम है? नहीं मालूम है? मैं बताता हूं, कृष्ण और सुदामा बाल सखा और सहपाठी थे, उनकी दोस्ती सारे जगत में, सारे समाज में चर्चित थी, समझे बाबा? हाँ। इसी तरह की कहानी पर पिछली बार सभा में नाटक कराया गया था, तुम्हें याद है अनुराग? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, पर बाबा आप ही बताइए ना। लोग इसीलिए कहते थे कि सखा हो तो कृष्ण जैसा, जानते हो क्यों? नहीं बाबा, हम तो नहीं जानते, ऐसा क्या था उनकी दोस्ती में? मैं बताता हूँ, कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में सहपाठी थे, वो साथ साथ पढ़ते थे। बच्चों आज का पाठ, जो बोलो सच बोलो, प्रिय बोलो, पर ऐसा सच न बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगे। अब यहीं पर आज का पाठ समाप्त होता है। तुम सब लोग अपने अपने कार्य के लिए प्रस्थान करो। बाल सभा में किया गया नाटक याद आने लगा। अच्छा बाबा देखिए, सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि उनके बाल सखा श्री कृष्ण है, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वो उनसे मिलने जाए, तभी सुदामा श्री कृष्ण से द्वारिका में मिलने गए थे। अच्छा के नाथ हाथ जोर धाए घर।
कृपा के नाथ हाथ जोर घाए गए पाए भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को बेटे। इसी भाव को ही तो मित्रता कहते हैं। कृष्ण अपने सखा सुदामा द्वारा भेंट स्वरूप दिया गया कच्चे चावल इतने प्रेम से खाते हैं जैसे सुस्वाद मिष्ठान हो। बाबा हाँ? क्या कच्चा चावल कृष्ण ने इतने प्रेम से खाया था? हाँ हाँ बेटे, इससे स्पष्ट होता है कि उस समय कृष्ण के अंदर से उनका राजा होने का भाव समाप्त हो चुका था। तो बच्चों, मित्र कभी गरीब और अमीर नहीं होता है, मित्र तो सिर्फ मित्र ही होता है। और बच्चों मालूम है कृष्ण ने सुदामा के लिए और क्या किया? हाँ बाबा, जब सुदामा वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उनको भेंट स्वरूप कुछ ना मिला, किंतु जब वे अपने घर के पास आए तो वो वहाँ पर उनका सब कुछ था जो कि द्वारिका में था। घर पहुंचे तो वे अपनी पत्नी को अच्छे कपड़ों में देखकर पहचान भी नहीं पाए थे, ऐसे थे बाल सखा। शाबाश बच्चों, शाबाश। अब इससे एक शिक्षा ये मिलती है कि आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। अब तुम दोनों आपस में कभी ना लड़ना, समझे? जाओ। मित्र, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई।